भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। अब आपको याद होगा, कांग्रेस ने HAL को लेकर कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया। कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए, कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया, उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है। भारत जब आगे बढ़ता है, भारत जब मजबूत होता है तो हर भारतीय खुश होता है। लेकिन कांग्रेस देश हित से इतना दूर हो चुकी है, परिवार हित में इतनी उलझ गई है कि उसे देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती है। अब आपको याद होगा, कांग्रेस ने HAL को लेकर कितना झूठ फैलाया, कितना झूठ फैलाया। कांग्रेस ने कोरोना काल को याद कीजिए, कोरोना काल में भारत की जो मेड इन इंडिया वैक्सीन थी, कोरोना की जो वैक्सीन थी, उस पर भी विरोध पैदा कर दिया, उसका भी यहां तक कह दिया ये तो भाजपा वैक्सीन है। भारत की हर सफलता पर उनको शर्म आने लगी है और जैसे उनको भारत के वैक्सीन पे भरोसा नहीं, लोगों को उलझन में डालने की कोशिश की, उन्होंने ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी को बदनाम करने की कोशिश की। अभी दो दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कांग्रेस वालों को और उनकी पूरी टोली को ऐसा करारा तमाचा मारा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है।